हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग और आशा करता हूँ आप भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि एक पेन ड्राइव से हम मल्टीपल ओएस किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं या उस पर हम किस तरह से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं मल्टीपल ओएस, ताकि उनसे मल्टीपल ओएस दूसरे कंप्यूटर्स वगैरह पे इंस्टॉल कर सकें। तो चलिए चलते हैं। सबसे पहले मैं प्रोग्राम ओपन कर लेता हूँ। ये फर्स्ट प्रोग्राम है अपना, विन सेटअप फ्रॉम यूएसबी, और इसको सबसे पहले हम कॉन्फ़िगर कर लेंगे। थोड़ा सा बहुत एडवांस ऑफ प्रोग्राम है छोटा सा, इसको हम पहले फॉर्मेट कर लेंगे। फॉर्मेट के लिए कॉन्फ़िगर कर देंगे। दोस्तों, इसमें जो ये दिखा रहा है, ये सारे ओएस वगैरह के लिए दिखा रहा है कि किस तरह की ओएस के लिए आपको कॉन्फ़िगर करना है। अगर आप विंडोज़ 2000 एक्सपी 2003 सेटअप अगर आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं पेन ड्राइव, तो इससे ही करेंगे इंस्टॉल। हम विंडोज़ 7 के लिए करेंगे, तो हम इसको करेंगे विंडोज़ 7, 8, 10, 11 के लिए। ये अगर आप UBCD, कुछ इस तरह के बूटेबल प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए ये होगा। लिनक्स के लिए ये वाला होगा, लिनक्स ISO। तो इसके लिए हम पहले इसकी स्पेसिफाई कर देते हैं पेन, या विंडोज़ 7 की ISO। ये हमने ओके कर दिया। इस पे क्लिक करके हम इसको कस्टम नेम्स भी कर देंगे। और उसके बाद ये अपना फर्स्ट टाइम के लिए कन्फिगर हो गया। इसको हम शुरू करते हैं। अब ये बोल रहा है कि डेटा फॉर्मेट करना पड़ेगा, यस। तो ये कह रहा है कि सारा डेटा क्लियर हो जाएगा, यस हो गया। तो ये इस तरह से प्रोग्राम शुरू हो जाएगा और ये प्रोसेस थोड़ा सा चलेगा। और इसको हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि थोड़ा सा वीडियो में हो सकता है पॉज करनी पड़े। अभी मैं इसको, जैसे यह दिखा रहा है, प्लीज़ एंटर कस्टम विंडोज़ सेटअप फोल्डर नेम एंड प्रेस ओके। तो इसको हम क्या करते हैं, विंडोज़ कर देते हैं, कि विंडोज़ हम इसमें कॉन्फ़िगर कर रहे हैं। ओके कर देते हैं। इसमें हम लिख देते हैं विंडोज़ 7 और हम इसको ओके कर देते हैं। तो अब ये दोस्तों, ये थोड़ा सा टाइम लेगा क्योंकि ये कॉन्फ़िगरेशन शुरू हो गई इसकी। तो मैं भी वीडियो पॉज कर लेता हूँ, जैसे ये कंप्लीट होती है वीडियो मैं कनेक्ट करता हूँ फिर दोबारा से। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गया है। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ, जॉब डन हो गई है ये। तो अब हम इसके बाद दोबारा से दूसरे, उसके लिए हम दोबारा से शुरू करते हैं दूसरी ओएस मल्टी बूट करने के लिए। इसको सिंगल ड्राइव के लिए तो इंस्टॉल हो गया है, उसमें बस ये ध्यान रखना है कि हमें इसको ऑटो फॉर्मेट दोबारा से नहीं करना। वन टाइम ही हमें ऑटो फॉर्मेट करना है, उसके बाद हम दोबारा से इसी पर क्लिक करेंगे। विंडोज़ 10 कर देते हैं इसको, और एडवांस में जाके इसको फिर दोबारा से एक बार क्लिक कर देते हैं। और इसको हम ओके कर देते हैं। इसमें हम ये हमने इसको 10 के लिए भी शुरू कर दिया है, तो ये भी फिर दोबारा से इसकी वो शुरू हो जाएगी। कॉन्फ़िगर कर रहा है अभी ये विंडोज़ 10 की ISO को पेन ड्राइव पे कॉन्फ़िगर कर रहा है। तो मैं वीडियो पॉज कर देता हूँ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा प्रोसेस रहेगा, और एक बार कंप्लीट होता है तो मैं इसको फिर कंटिन्यू करता हूँ। दोस्तों, आप ये देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हुई है। ये भी अपनी पेन ड्राइव जो है सेकंड OSB पर कन्फिगर हो गया विंडोज़ 10। तो मैं इसको ओके कर देता हूँ और इसको एग्ज़िट कर देता हूँ। ये मैंने एग्ज़िट कर दिया, और मैं एक बार पेन ड्राइव को इजेक्ट करके दोबारा से इंसर्ट करके देखता हूँ। दोस्तों, ये कंप्लीट हो गई है और आई थिंक ठीक है। और इस तरह से हम मल्टी बूट बना सकते हैं पेन ड्राइव को, मल्टी बूटेबल OS।
ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम्स पर लॉगिन करके दिखा दिया आपको। हालांकि क्योंकि मुझे विंडोज़ इंस्टॉल नहीं करनी थी, लेकिन ये शो हो गया कि पेन ड्राइव जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई थी और दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम 7 और 10 दोनों पर ईजीली बूट हो पा रही है। ये आप देख सकते हैं विंडोज़ 7 भी देख लिया हमने, विंडोज़ ये 10 पे इंस्टॉल हो रहा है, शुरू हो गया इंस्टॉलर उसका। तो ये इस तरह से हम इसको क्रिएट कर सकते हैं ईजीली। जो पेन ड्राइव होती है उसको हम मल्टी बूट किस तरह से बना सकते हैं और उसमें अलग अलग तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं, लाइक विंडोज हो गई, विंडोज के दो ऑपरेटिंग सिस्टम हो गए, उसमें आप विंडोज के साथ आप लिनक्स भी कर सकते हैं, लिनक्स के अलावा आप कुछ रिकवरी सिस्टम्स होते हैं जैसे हेरिंस बूटेबल सीडी हो गई, और विंडोज के अलग जो रेस्क्यू मीडियाज होते हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स के, जैसे AAVG एंटीवायरस का रेस्क्यू मीडिया हो गया, या रेस्क्यू डिस्क बना लिया आपने उसकी किसी लिनक्स सिस्टम की, और WinPE के अंदर किस तरह से आप अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन किट किस तरह की विंडोज़ की हम इंस्टॉल कर सकते हैं जो नेटवर्क पे ऑटोमेटिकली बस आपको रन करना होता है और इंस्टॉलेशन अनअटेंडेडली आप रिमोट पे बैठ के कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं, मैं इसको प्रोग्राम को रन कर लेता हूँ। प्रोग्राम है अपना WinUSB, इसमें मैंने एक पेन ड्राइव इंस्टॉल कर दिया, 16 GB पेन ड्राइव, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से हम अपनी विंडोज़ की ISO सेलेक्ट कर लेते हैं। पहले मैं इसकी कर लेता हूँ विंडोज 7 की, विंडोज 7 को चूज कर लेते हैं ISO, और इसका नाम मैंने चूज कर लिया विंडोज 7। फिर दोबारा से हम इसी को क्लिक करेंगे और विंडोज 10 में, विंडोज 10 की भी एक बार चूज कर लेते हैं ISO। ये दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने दोनों अपनी अपनी ISO चूज कर ली है इसमें से। इसके अलावा अगर आपके पास कोई ISO नहीं हो बल्कि DVD से आप करना चाह रहे हो तो DVD भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा एक ये WinPE ISO होती है, ये बेसिकली क्या होता है, इसके अंदर आप जो विंडोज़ के जो नेटवर्क पे यूज़ होती हैं अनअटेंडेड इंस्टॉलेशन किट, कि आप रिमोट पर बैठकर दूसरे कंप्यूटर पे विंडोज़ इंस्टॉल कर दें, उसके लिए आप इंस्टॉलर बना सकते हैं इसका। यहाँ से यहाँ पे क्लिक करके इसकी ISO जो अपने AI इंस्टॉलेशन किट वगैरह के AI की वाली जो इंस्टॉलेशन किट होती है वो सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से। इसके अलावा OS और ड्राइवर्स वगैरह के लिए जैसे Ubuntu की ISO फाइल होगी आपकी, यहाँ से आप सेलेक्ट करके लिनक्स के लिए बना सकते हैं, इसकी Ubuntu सर्वर के लिए आप बना सकते हैं इस तरह की, मतलब ये आप लिनक्स भी कन्फिगर कर सकते हैं इस पर। AVG का रेस्क्यू मीडिया आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ से, रेस्क्यू मीडिया बना सकते हैं। इसके अलावा आप लाइव CD हो गई, जैसे लाइव CD आप सेलेक्ट करके कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे कुछ इस तरह के प्रोग्राम होते हैं ना रिकवरी के, जैसे हार्ड ड्राइव रिकवरी के, विंडोज रिपेयरिंग वगैरह के, जैसे हेरिंस बूटेबल CD और तरह की बहुत सारी वीडियो आती हैं, कमांडर्स ERD कमांडर आता है, इस तरह के आप इस पर कन्फिगर कर सकते हैं। यहाँ से क्लिक करके नेक्स्ट करेंगे तो ये कन्फिगर हो, यहाँ पे इसको चूज हो जाएंगी और फिर वन गो में आपको सारा का सारा इंस्टॉलेशन करना होगा, सारी की सारी आपको ISO सेलेक्ट करनी होगी इनकी। जब ये सारी सेलेक्ट हो जाएंगी बस ये ध्यान रखना होगा कि आपको पेन ड्राइव को क्लीन करना होगा क्योंकि फॉर्मेट हो जाएगी, और पेन ड्राइव इतनी बड़ी नहीं होनी चाहिए, इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि उस पर आप सारी ISO कन्फिगर ना हो सकें। पेन ड्राइव आप कोशिश करें बड़ी से बड़ी लें ताकि इसको करने में मतलब कन्वीनियंटली हो जाए। तो मैं इसको नेक्स्ट करता हूँ यहाँ से। अब ये पूछ रहा है यहाँ पे हम पेन ड्राइव जो आपकी 14 GB है 16 GB शो कर रहा है, 16 GB पेन ड्राइव है, इसको फॉर्मेट कैसे करना है। FAT32 हम कर देते हैं इसको फॉर्मेट, यस कर देते हैं। ये कह रहा है कि डेटा ये फॉर्मेट हो जाएगी और डेटा सारा हो जाएगा, तो फॉर्मेटिंग यस कर देते हैं इसको और
अभी ये फॉर्मेटिंग हो रही है पेन ड्राइव, और उसके बाद ये कंटिन्यू हो जाएगी अपना पेन ड्राइव मल्टीबूट का प्रोसेस शुरू हो जाएगा। ये देखिए ये शुरू हो गई है स्टार्ट, इसकी एक्सट्रैक्टिंग फाइल शुरू हो गई है यहाँ से। विंडोज 10 होगी पहले, फिर विंडोज 7 होगी। तो ये इस तरह से अपना देखते हैं, मैं बाकी इसको एक बार कंटिन्यू चलने देते हैं, और जब ये वीडियो मैं पॉज कर देता हूँ उसके बाद फिर दोबारा कंटिन्यू करते हैं इसको जब ये कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये कंप्लीट हो गई है, और इसको फिनिश करके ओके करते हैं, और ये दोनों यहाँ पर शो कर रहे हैं फिनिश हो चुके हैं। कंटिन्यू करते हैं, और तो इसको हम एग्जिट कर देते हैं यहाँ से, और पेन ड्राइव को एक बार मैं एग्जिट इजेक्ट करके दोबारा इंसर्ट करता हूँ। ये ऑटो रन तो हुई है, देखते हैं क्या लग रहा है कुछ। हाँ क्रिएट हो गई है दोनों, और बाकी इसको मैं एक बार बूट करके और चला के देखता हूँ तो कंफर्म हो जाएगा। दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं ये दोनों वीडियोस, दोनों विंडोज़ इसमें कॉन्फ़िगर हो गई हैं, और ये विंडोज़ 7 और विंडोज़ 10 दोनों के लिए बूटेबल ऑप्शन आ गई है। तो हालांकि मुझे इंस्टॉल नहीं करना है, मैं बस केवल इसको जस्ट एक बार बूट करके देख लेते हैं इससे, विंडोज़ 10 से। आई थिंक ये परफेक्ट बूट है, तो आप इस तरह की भी ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, ये वाला सॉफ्टवेयर भी यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट ऑफ प्रोग्राम्स हैं दोनों, और काफ़ी एडवांस्ड हैं, छोटे प्रोग्राम्स हैं, तो आपको इजीली इनको बूटेबल मल्टी बूट बना पाओगे।